प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। जुलाई महीने के मासिक राशि फल के अंतर्गत आप सभी कर्क राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है, गोचर कुंडली के अंतर्गत कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम, परिवार, आर्थिक स्थिति पर क्या विशेष प्रभाव इस जुलाई के माह में नवग्रह आप पर डाल सकते हैं, कौन सी नई चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, कहां पर सतर्क सावधान रहना होगा, कहां पर अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, कौन सी तारीखें आपके पक्ष में होंगी, कौन सी तारीखें आपके लिए अशुभ स्थिति में रहेंगी, इन सभी बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नवग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। नवग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में कैसे बनने वाली है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो कि मासारंभ में मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य और शुक्र के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा यहां पर 2 से 2.25 दिन तक ही स्थित रहेंगे, उसके उपरांत ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो इनकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए वृषभ राशि के अंतर्गत लाभ भाव में बनी हुई है। मंगलदेव कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध देव कर्क राशि के अंतर्गत ही लग्न में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि में 8वें भाव में, राहुदेव मीन राशि के अंतर्गत 9वें भाव में और केतु पराक्रम भाव में कन्या राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। यह आपकी एक स्थिति है। इसे ग्रह गोचर स्थिति के बीच सूर्य मंगल बुध शुक्र ये ग्रह कर्मशः राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके जिस भाव में प्रवेश करेंगे उस भाव से संबंधित शुभाशुभ फल देने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा शुक्रदेव का। 6 जुलाई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लग्न में आकर के स्थित हो जाएंगे। 12 तारीख को मंगलदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क में प्रवेश करेंगे और अंतिम परिवर्तन बुधदेव का 19 जुलाई को होगा। बुधदेव कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और दूसरे भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। ये आपकी जुलाई महीने की ग्रह गोचर स्थिति है। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ इस जुलाई के माह में कैसी रहेगी। प्रिय दर्शकों, शनि की ढया से आप प्रभावित हैं। पेट से संबंधित विकार हो या मस्तिष्क से संबंधित विकार, नेत्रों की समस्या हो या आधा सीसी का दर्द, ये सभी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और यदि किसी भी प्रकार का नशा इत्यादि करते हैं तो इससे जरूर बचिएगा। स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। 16 जून के बाद कुछ हद तक आपको अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन खान पान का संपूर्ण जुलाई के माह में आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको शनिदेव की तो निरंतर आराधना करनी है। हर शनिवार को पीपल का पूजन करना हो या शनिदेव को सरसों का तेल अर्पण करना हो, ये उपाय तो आपको करना ही है। इसके साथ प्रतिदिन आप सूर्यदेव को अर्घ भी आप जरूर दीजिएगा। ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और बुधवार के दिन भगवान गणपति को दूर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें भाव की, शिक्षा की, स्टडी की और प्रेम संबंधों की। प्रिय दर्शकों, 5वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 5म भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो विशेषकर शिक्षा से संबंधित स्थितियां हैं वो आपके पक्ष में होंगी। प्रेम संबंधों में भी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन संतान को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। संतति को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय का विचार 10वें भाव से किया जाता है। 10वें भाव में मंगलदेव मेष राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है मंगलदेव। कर्म भाव में विराजमान होकर के रोचक नामक 5 महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी। 1 जून से 12 जून विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विशेषकर नौकरी का क्षेत्र, वह भी मेडिकल से संबंधित हो या रक्षा से संबंधित
क्षेत्र हो, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं तो निश्चित ही इनमें भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, 12 जुलाई से लेकर के और जुलाई अंत तक थोड़ा सतर्क सावधान भी जरूर रहिएगा। कार्य क्षेत्र में इस बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। दो बातों का ध्यान कार्य क्षेत्र को लेकर के आपने जरूर रखना है। एक तो उतावलेपन से बचिएगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचिएगा, और दूसरा, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, बात बात पर गुस्सा होते हैं तो गुस्सा करने से भी आपको बचना होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। रेगुलर इनकम के स्वामी खर्चों के भाव में स्थित हैं, लेकिन शुक्र देव को खर्च का दोष नहीं लगता, व्यय का दोष नहीं लगता है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर शुभता आपके लिए प्रदान कर रहे हैं, यानी इनकम की स्थिति आपकी सुदृढ़ बनती हुई नजर आ रही है, अच्छी स्थिति रहेगी। इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं है, बल्कि अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। जो जातक विशेष रूप से धर्म, कर्म, एजुकेशन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में अवश्य रखना होगा, खर्च भी बढ़ चढ़ के आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ जन्म पत्रिका में शुभ भावों में संचरण करते हैं तो निश्चित ही वो शुभता देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिविटी देने लगते हैं, और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, 6 से 8 दिन हमारे पक्ष में होते हैं जब हमें हर जगह से सफलता मिलती है। लेकिन 6 से 8 दिन हमें ऐसे भी अवश्य देखने को मिलते हैं जब हमें हर क्षेत्र में असफलता देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन सी तारीखें कर्क राशि के जातकों को इस जुलाई के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर भी आइए हम चर्चा कर लेते हैं। जुलाई के माह में कर्क राशि के जातकों को 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27 और 28 जुलाई शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। वहीं 4, 5, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 और 31 जुलाई आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें साबित होंगी। जुलाई का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।